हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। जब सुबह की भाग दौड़ में हमें कुछ समझ ना आए कि हम नाश्ते में क्या बनाएं और क्या खाएं, तो झटपट से ये नाश्ता बना लीजिए। ये सबको बहुत पसंद आएगा, इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। जिसके लिए मैंने लिया है 1/2 कप गेहूँ का आटा। अब इसमें हम लेंगे 1 छोटे चम्मच से नमक, 1/2 चम्मच जीरा, हम इसमें लेंगे 1/4 चम्मच तक अजवाइन, जो हमारे नाश्ते को टेस्टी बनाएगा। अब इसमें हम लेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर बच्चों के लिए बनाना चाहें तो मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। अब इसमें हम कप की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका अच्छे से बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है। हमें इसे ना ज़्यादा मोटा बनाना है ना ज़्यादा पतला, बस इस तरीके से होना चाहिए। अब हम लेंगे एक पैन, पैन में हम लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल और गैस फ्लेम कर देंगे मीडियम पर। अब हम चम्मच की मदद से बैटर इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे और इन्हें हल्के हाथों से फैला लेंगे और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। 2 मिनट बाद देखिए, अच्छे से पक चुका है। अब ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस पर। अब इन्हें इस स्पैचुला की मदद से पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक जाए। अब 2 से 3 मिनट हो चुका है, अब इसे हम फिर से पलट लेंगे। ये देखिए, दूसरी साइड भी अच्छे से सिक चुकी है। अब इन्हें हम अलटते पलटते हुए सेक लेंगे। ये मॉर्निंग का बनने वाला एकदम सिंपल सा नाश्ता है और सिंपल के साथ साथ ये बहुत हेल्दी भी है। गेहूं के आटे से बना है और इसमें हमने वेजिटेबल्स भी डाले हैं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इन्हें हम आराम से प्लेट पर निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बचे हुए बाकी के नाश्ते को भी बना करके तैयार कर लेंगे। आप इसे जब भी टाइम ना हो तो झटपट से बना करके तैयार कर सकते हैं, बच्चों को नाश्ते में खिला सकते हैं, टिफ़िन में भी डाल के दे सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। ये देखिए, हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो चुका है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अब इस नाश्ते के साथ हम टमाटो केचप और पुदीने की हरी चटनी सर्व करेंगे, जिससे ये नाश्ता खाने में और भी चटपटा और टेस्टी सा लगता है। आप इसे झटपट से बना करके तैयार कर सकते हैं जब आपके पास वक्त ना हो तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।